यू आर डूइंग सो वेल गाइस। आज की वीडियो मैं काफी टाइम बाद हॉल वीडियो करने वाली हूँ। आई होप कि आपके लिए मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल रहे। मैं शॉपी ऐप के बारे में काफी टाइम से सुन रही हूँ कि वहाँ पे काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसलिए अगर आपको भी लगता है कि अफोर्डेबल प्राइस में हमें अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे या नहीं, आज की वीडियो मैं करने वाली हूँ हॉल वीडियो। मैंने शॉपी ऐप से काफी सारे प्रोडक्ट परचेज किए जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपके लिए मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल रहे। मैंने फर्स्ट टाइम शॉपी से शॉपिंग की थी। फर्स्टली जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया था वो है ये। इसको मैंने अपने बैकग्राउंड में पहले ही भी यूज कर चुकी हूँ। ये रिटेल करता है 64 रुपीज में, बट आपको ये 78 रुपीज में इजिली मिल जाएगा। ये है एक वॉल हैंगिंग डेकोर आइटम, ये देखिए कुछ इस तरीके के। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने एक मार्च के आईलाइनर की वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने बैकग्राउंड में ये हैंगिंग यूज किया था। इसमें प्राइस लिखा है 399, बट मेरे को ये 70 रुपीज में आराम से मिल गया। मेरे पास कोई कूपन था, उसको अप्लाई करने के बाद मेरे को ये रिसीव हुआ 64 रुपीज में। अंदर से कुछ इस तरीके का हैंगिंग ये आपको मिल जाएगा, ये देखिए। मैंने ये परचेज किया था बैकग्राउंड के लिए, लास्टली वीडियो में मैंने इसको यूज भी किया है। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा, काफी अच्छी क्वालिटी में आपको मिलता है। ये मेरे को मिला 64 रुपीज में, बट आपको ये 70-75 रुपीज में इजिली मिल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके के इसके फैदर्स हैं, ये देखिए। एंड गाइस, इतने अफोर्डेबल प्राइस में मेरे को ये क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लगी। अगर हम इसको लोकल मार्केट से परचेज करेंगे तो आई थिंक ये हमें 100 या 150 से अबव ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। तो मेरे लिए ये वर्थ ऑफ मनी रहा, इसको मैं काफी टाइम यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट मैंने डेकोर आइटम परचेज किया, वो है ये। आपको आर्टिफिशियल लीव्स काफी ज्यादा एप्स में मिलते होंगे। अमेजोन पे जितने भी मैंने देखे हैं ये आपको 300-400 रुपीज में मिलते हैं। मैशो पे भी मैंने चेक किए थे, वहां पे भी आपको 200-300 में मिलेंगे, बट गाइस मेरे को 3 लेयर्स मिली है 119 रुपीज में, एंड इस लेयर्स की लेंथ काफी ज्यादा है। ये देखिए मैंने जो शेड परचेज किया वो है ये ऑरेंज कलर, एंड इसको मैं बैकग्राउंड में यूज भी कर चुकी हूँ। ये देखिए अंदर से कुछ इस क्वालिटी की लीव्स आपको मिल जाएगी, एंड गाइस 119 रुपीज में आपको मिलती है 3 लेयर, जो काफी ज्यादा बेस्ट है। इसकी पिक्चर मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इसको मैंने परचेज किया 119 रुपीज में, जो काफी ज्यादा बेस्ट रहा। ये आपको मिल गया 3 लेयर, एंड गाइस इसकी लेंथ काफी ज्यादा लंबी है। इसको आप कटिंग करके एज अ बैकग्राउंड के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंड आप इसको अपने गार्डन में भी यूज कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा बेस्ट रहा मेरे लिए अफोर्डेबल 119 रुपीज में। मेरे को इस लीव्स के 3 लेयर्स मिल गए, जो काफी ज्यादा। एड टू बैग काफी सारे आइटम्स रख सकते हैं, बट कुछ आइटम सेलेक्ट करने के बाद ही आपको उसको परचेज कर सकते हैं। बट गलती से मेरा एक प्रोडक्ट ऐड हो गया जो मैं बिल्कुल भी परचेज नहीं करती हूँ। मेकअप में मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेती हूँ। मेकअप मैं सिर्फ नाइट का, मिंत्रा एंड पर्पल से ही परचेज कर सकती हूँ। ये मेबेलिन का कंसीलर गलती से ऐड हो गया, तो मैंने इसको रिसीव किया। मैं सोचा इसको मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, उसके बाद ही इसको मैं रिटर्न कर दूंगी। ये कुछ इस तरीके का कंसीलर मेरे को रिसीव हुआ, ये है शेड 25, एंड आई थिंक ये था, ये रिटेल किया था, मिला था 78 रुपीज में। मेरे को तो कोई भी कंसीलर नहीं मिलता। इनसाइड कॉस्मेटिक का कंसीलर है 110 रुपीज में, बट ये सामने दिख रहा है ये है मेबेलिन का कॉपी। कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स रिटेल आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगी, बस ये मिलेगा कि शेड नंबर 25। अंदर से आपको बिल्कुल सेम कंसीलर मिल जाएगा। इसको मैंने यूज नहीं किया, मैंने सोचा इसको शेयर करने के बाद ही इसको मैं रिटर्न कर दूंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके का कंसीलर आपको मिलेगा, एंड शेड है 25, एंड अंदर से कंसीलर इतना ज्यादा लाइट है। इसकी फ्रेग्रेंस चेक करते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस कुछ जैसे फ्लॉर्स वगैरह होते हैं उस तरीके की इसकी फ्रेग्रेंस है, जो कंसीलर में बिल्कुल भी नहीं होती। एंड ये शेड काफी ज्यादा लाइट है, एंड ये वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप कॉस्मेटिक लेने की सोच रहे हो तो आप बिल्कुल भी कॉस्मेटिक परचेज नहीं करने के लिए सोच रहे हो तो आप बिल्कुल भी परचेज नहीं करना वहां से, क्योंकि आपको हमेशा डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलेंगे। अपने फेस के लिए आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आप बेशक अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट लो, बट आप अच्छे प्रोडक्ट यूज करो ताकि आपकी स्किन को कोई भी हार्म ना हो। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी, आपको ये परचेज नहीं करना चाहिए। इसके यहाँ एक माइक, बट मैं उसको अभी तक यूज नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं उसको सोच रही हूँ इसको मैं यूज कैसे करूंगी। मैंने ये फोन के लिए माइक परचेज किया कि जैसे कि हम यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो हमारी साउंड किसी टाइम थोड़ी लो रहती है, तो उसको हाई करने के लिए मैंने ये परचेज किया था माइक। ये मेरे को मिला था 76 रुपीज में, आपको COD भी मिल जाएगा। ये देखिए
कुछ इस तरीके का माइक मेरे को मिल गया है, बट मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी मेरे लिए ये हेल्पफुल रहा कि नहीं। पैकिंग गाइस काफी ज्यादा अच्छी थी, आपको पैकिंग भी काफी अच्छी मिल जाएगी एंड गाइस आपको सीओडी भी मिल जाएगा। किसी किसी ऐप पे जैसे कि हम देखते हैं कोई चाइना का ऐप हो या कुछ भी हो, इंस्टाग्राम पे भी काफी सारी साइट्स ऐसे होते हैं कि आपको सीओडी नहीं मिलता, बट गाइस 20 रुपीज का प्रोडक्ट देने के लिए भी आपको सीओडी मिल जाएगा। बट गाइस आपको इस ऐप पे 20 रुपीज का प्रोडक्ट लेने के लिए भी सीओडी अवेलेबल मिल जाएगा, जो काफी ज्यादा बेस्ट मेरे को लगा। नेक्स्ट मैंने काफी सारी ज्वेलरी परचेज की है। फर्स्टली हम शेयर करते हैं इयररिंग से। मैंने परचेज की थी एक चेन एंड गाइस चेन का काफी ज्यादा फैशन रहता है, काफी सारे यूट्यूबर्स को मैं ये चेन वेयर की हुई। किसी ही प्रोडक्ट का कलर फेंट नहीं होगा, बट मैंने जितने भी परचेज किए उनका कलर फेंट हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा 20 रुपीज में अगर मैं इसको 3-4 टाइम भी यूज करूंगी तो ये मेरे लिए वैल्यू ऑफ मनी रहेगा, इसलिए मैंने इसको परचेज किया एंड इसको मैं यूज भी करूंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके के साइज में आपको ये चेन मिल जाती है एंड मेरे को ये मिली है 17 रुपीज में, और क्या ही मिलेगा, तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट भी वैल्यू ऑफ मनी रहा। नेक्स्ट मैंने जो ज्वेलरी भी परचेज किया है वो है इयररिंग। एंड गाइस ये इयररिंग मैंने परचेज किया 50 रुपीज में, मेरे लिए मैं तो फर्स्टली इतनी ज़्यादा शॉक होगी ये रेट्स देख के। मैं मोस्टली मिंत्रा से शॉपिंग करती हूँ ज्वेलरी के लिए एंड मैशो से भी मैंने एक दो ज्वेलरी प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थे, बट गाइस जब मैंने इस ऐप में ज्वेलरी के रेट्स देखे उफ इतने ज़्यादा सस्ते थे। ये देखिए कुछ इस तरीके के इयररिंग्स मैंने लिए, ये 50 रुपीज़ में, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है बट गाइस इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 50 रुपीज़ में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, बट ये लाइट वेट है एंड काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है। ये देखिए कुछ इस तरीके के गणपति डिज़ाइन में मैंने ये इयररिंग परचेज किए। ये देखिए काफी हद तक यूज भी करने वाली हूँ, ये देखिए काफी प्यारे मेरे को इयररिंग लगे एंड इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, मिड साइज के आपको ये इयररिंग मिल जाती है एंड गाइस 50 रुपीज में आपको ये इयररिंग मिल रहा है। इसको आप जितनी बार मर्जी यूज की आपको हमेशा 50 रुपीज में इयररिंग। ये देखिए काफी ज्यादा बेस्ट, मैंने 50 रुपीज में हमेशा लूप्स ही परचेज किए बट मैंने फर्स्ट टाइम ही परचेज की 50 रुपीज में इयररिंग, तो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। नेक्स्ट मैंने परचेज किया एक पेंडेंट जो कि जिसका कलर है गोल्डन। ये देखिए एंड गाइस ये मेरे को मिला है 16 रुपीज में एंड ये सिंगल आया, ये सारे प्रोडक्ट इकट्ठे नहीं आते बट आपको ये 16 रुपीज का प्रोडक्ट भी सिंगल सिंगल मिल जाता है। ये मेरे को मिला था 16 रुपीज में एंड गाइस पैकिंग देखिए, फर्स्टली आपको ये पूरी प्लास्टिक का मिनी सा बॉक्स मिल जाता है, इसमें आपको मिलती है ये पेंडेंट। उस इस तरीके का गोल्डन पेंडेंट मैंने परचेज किया था, अगर इसका कलर फेंट भी हो जाता है बट इसको मैं 3-4 टाइम आराम से यूज कर सकती हूँ। अंदर से कुछ इस तरीके का पेंडेंट आपको मिल जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके की चेन आपको मिलेगी एंड कुछ इस तरीके का छोटू सा पेंडेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको बीच में ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अगर ना भी करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये काफी प्यारी लगेगी। ये एंड लेंथ भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। ये जो मैंने परचेज किया वो है ये रिटेल करता 83 रुपीज में मैंने परचेज किया इसकी इयररिंग या बैंगल या इयररिंग एंड गाइस ये इतने प्यारे इयररिंग्स हैं, इनमें आपको काफी प्यारी लेंथ भी मिल जाती है एंड ये रिटेल करते 83 रुपीज में। कुछ इस तरीके के बॉक्स में आपको ये इयररिंग मिल जाते हैं, अंदर से कुछ इस तरीके के लैमिनेशन में आपको ये इयररिंग मिल जाएगी, जिससे काफी ज्यादा सेफ प्रोडक्ट रहता है। कुछ इस साइज की आपको इयररिंग मिलती है 83 रुपीज में, और आपको क्या मिलेगा ये देखिए। मैं मोस्टली ज्वेलरी परचेज करती हूँ सिल्वर कलर में, वो काफी ज्यादा यूज भी हो जाती है ये देखिए, एंड गोल्डन कलर में अगर हम ज्वेलरी परचेज करते हैं तो उसका कलर मोस्टली फेंट भी हो जाएगा। कुछ इस तरीके के इयररिंग्स आपको इतने लंबे साइज में इयररिंग मिल जाते हैं एंड ये काफी ज्यादा लाइट वेट भी है, ये इयररिंग काफी ज्यादा लाइट वेट है तो मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इसको वेयर करने में एंड गाइस ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहती है। इन सबका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके इजिली परचेज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के आपको ये इयररिंग मिल जाते हैं, ये देखिए साइज काफी ज्यादा बड़ा है बट रील्स के लिए एंड वीडियोज के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है।
नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ज्वेलरी। ज्वेलरी मैंने परचेज किया है बैंगल्स। इनका कुछ इस तरीके का बैंगल्स का सेट मेरे को शो हुआ जो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये रिटेल इसको मैंने परचेज किया था आई थिंक 79 रुपीज में मैंने इस सेट को परचेज किया था। एंड पैकिंग ये भी आपको बॉक्स में मिल जाएगा। अंदर से ये कुछ इस तरीके के बैंगल्स आएगा। ये कुछ इस तरीके का स्प्रिंग साइज होता है, इससे आपको साइज की प्रॉब्लम नहीं होती। इसको आप किसी भी साइज, अगर आपका हाथ हैवी है तो आप तब भी इसको वियर कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का सेट आपको ये मिल जाएगा। ये मिलेगा आपको 70-80 रुपीज में इजिली मिल जाएगा, जो मेरे को काफी ज्यादा बेस्ट लगा। एंड गाइस पैकिंग आपको 80 रुपीज में आपको बॉक्स मिल रहा है, इसकी सेफ्टी के लिए तो काफी ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी है ज्वेलरी, वो है ये चौकर सेट। इस चौकर सेट को मैंने परचेज किया है ये 68 रुपीज में। आपको इयर रिंग्स भी नहीं मिलते बट मेरे को पूरा चौकर सेट मिल गया। ये ऐसे वाले चौकर सेट मैंने काफी लोगों को वियर किए हुए देखा बट मैंने आज तक ऐसा चौकर सेट कभी भी वियर नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मेरे को अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा, अगर पसंद आएगा तो मैं इसको वियर करूंगी, नहीं आएगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। कुछ इस तरीके का चौकर सेट भी मेरे को मिल गया। इसमें मेरे को मिले हैं ईयर पीस, आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए एंड ये आप काफी ज्यादा लाइट वेट एंड काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। इसमें आपको मिलती है साथ में इयर रिंग्स। कुछ इस तरीके के इयर रिंग्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ इयर रिंग ही परचेज करो तो आपको 100 रुपीज से कम तो कहीं नहीं मिलेंगे। फर्स्टली 100 रुपीज में आपको मिलेंगे नहीं बट ये मेरे को 68 रुपीज में नेक पीस एंड इयर रिंग्स मिल गए, मेरे लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहा। एंड गाइस इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा लाइट वेट है, ये आपके नेक पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहेंगे। नेक्स्ट लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया वो है डोर मैट्स। ये देखिए इधर टेल करते 85 रुपीज में मैंने परचेज किया इसके 2 डोर मैट्स। ऐसा नहीं है कि आपको 100 रुपीज में या 80 रुपीज में डोर मैट्स मिलेंगे, वो भी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, साइज छोटा होगा, बट गाइस इसका साइज भी काफी ज्यादा अच्छा है। इतना बड़ा साइज आपको इस डोर मैट में मिल जाता है, इस तरीके का डोर मैट आपको मिलेगा। एंड गाइस 80 रुपीज में आपको जिस चीज की क्वालिटी मिलनी चाहिए थी उससे अच्छी ज्यादा, उससे मेरे को ये काफी ज्यादा बेटर क्वालिटी लगी। एंड ये 85 रुपीज में मेरे को मिले 2 डोर मैट। अगर ये थोड़े टाइम भी चलेंगे तो वैल्यू ऑफ मनी ही रहेगा। एंड गाइस इसी के साथ होता है मेरा ये हॉल खत्म। नेक्स्ट टाइम पे अगर मैं इसके प्रोडक्ट परचेज करूंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एंड गाइस ये मेरे लिए काफी ज्यादा वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट रहे। एंड ये इतने ज्यादा ज्वेलरी प्रोडक्ट्स आपको इतने ज्यादा कंफर्टेबल मिलते हैं। एंड गाइस डोर मैट आपको ये 2 डोर मैट्स मिल जाएंगे 80 रुपीज में, काफी ज्यादा बेस्ट है। अगर आपको मेरा ये हॉल हेल्पफुल लगा तो आप कीजिए मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।